हेलो वियर्स, आई एम साजन महमूद। यू आर वाचिंग पाक डेली यूट्यूब चैनल। वियर्स, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे हिडन ट्रिक्स लेके आया हूँ गूगल की, जो आपके लिए इंफॉर्मेशन होना, उसके नॉलेज होना वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप अभी गूगल के दूरों हैं, आपको गूगल की पूरी नॉलेज नहीं है। इसका मतलब ये टिप्स आप हिडन ट्रिक्स हैं और ये आपके बहुत काम आने वाली ट्रिक्स हैं, जिससे आप एक चुटकी एक क्लिक में काम कर लेंगे, जिसको आपको दो दो तीन तीन मिनट लग जाते हैं काम करने को, ट्रिकों में सेकंडों में चल कर लेंगे क्लिक। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के तौर पे, आपके पास एक फिगर है, गिनती है। अगर आपके पास एग्जाम्पल तौर के आपके पास नंबर हैं, आप ये जो आप जिस तरह स्क्रीन में देख रहे हैं, आपने इनको अकाउंटिंग करना है तो आप देखेंगे ढाई इकाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख दह लाख करोड़ दह करोड़, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर मैं आपको कह दूं कि आप ये काम एक चुटकी में कर सकते हैं तो कैसा लगेगा? जी हाँ, इसके लिए हम आपको दिखाते हैं एक चुटकी में किस तरह काम होता है। आपने अपने गूगल क्रोम में जाना, चाहे आप मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कंप्यूटर लैपटॉप में, वहाँ पे जाकर आपने अपने हिसाब से लिखना है, जो भी आपकी डिजिट हैं वो लिख लेने हैं। जैसे आप लिख लेंगे, आपने वहाँ पे इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद आपने वहाँ पर लिख देना है इंग्लिश। जैसे आप इंग्लिश लिखे इंटर मारेंगे, वो आपको अकाउंट करके आपके सामने रख देगा। ये जो मैंने डिजिट लिखे हैं, इसमें जो हमारे पास जो काउंटिंग है इसने कर दी है 2002 बिलियन। इसे आपको बहुत इजी वन क्लिक में आप करते हैं। टिक्स नंबर टू, तो आप हम आपको टिक्स नंबर टू के बारे में बताते हैं कि टिक्स नंबर टू है वो किस तरह। आप मूवी सर्च कर लेते हैं, हम बाद वाक्या देखते हैं, तो हम जब गूगल पे जाते हैं तो हम वहाँ पे लिखते हैं मूवी, तो हमें एक घंटे घंटे लग जाते हैं एक मूवी सर्च करने में, लेकिन वेबसाइट हमें एक वेबसाइट से दूसरी, दूसरी से वेबसाइट, तीसरी तीसरी से वेबसाइट, चौथी पे डिवर्ट करते रहते हैं। इसे हमारा होता है ये टाइम वेस्ट होता है, मूवी क्या हमें मिल रही होती है। लेकिन एक मैं आपके लिए बहुत ही तरीका लेके आया हूँ, जिसे आप बिल्कुल ईजी वन क्लिक में मूवी सर्च करके अपनी देख सकते हैं। उसका तरीकाकार ये, आपने मूवी का नाम लिखना, मूवी का नाम लिखने के बाद स्पेस लिखना और आपने लिखना है गूगल ड्राइव। जैसे आप गूगल ड्राइव लेके सर्च करेंगे, आपके सामने मूवी आ जाएगी। आप यहाँ पे लिंक को फॉलो करेंगे, मूवी देख लेंगे, उसकी वजह से गूगल ड्राइव में कहीं ना कहीं ये मूवी आपकी पड़ी होगी, जो आपको फास्टली गूगल सर्च करके आपके सामने ला के रख देगा और आप इजीली तरीके से देख लेंगे। जो हमारा तीसरा स्टेप है वो है कि अगर देखें, आजकल विंडो पहले थी 93 थी, 98 आई, विंडो 2000 आई, एक्सपी की विंडो चलती चलती आज विंडो 10 पे ऑपरेटर सिस्टम चल रहे हैं। लेकिन बात बाकी तो इंसान का दिल करता है कि मैं वो विंडो चलाऊं जो आज से सालों साल पहले थी। कैसी थी, उसका लुक कैसा था, वो दिखने में कैसी थी, तो मन तो करता है। इसके लिए आपको, अगर आप देखना चाह रहे हैं, आप उसका एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं, वेरी इजी, आप गूगल में जाएं और जाके यहाँ पे लिखें विंडो आप 93, आपने लिख के विंडो 93 सर्च कर लेना, जो आपके सामने फर्स्ट लिंक आएगी आपने उसको फॉलो कर लेना है। जैसे आप फॉलो करेंगे, आपको कुछ सेकंड्स वेट करना पड़ेगा, समथिंग सेकंड्स ये लोडिंग ले रही है विंडो। जैसे ये देखें, जब पहले सिस्टम आते थे ऐसे विंडो लोड होती थी, ये देखें आपके सामने आ गई, ओपन हो गया, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, क्रिएट फोल्डर कर सकते हैं। इस तरह की लुक होती थी उस वक्त विंडो की। ये माय कंप्यूटर है, इसको खोल सकते हैं आप, इसको क्लोज कर सकते हैं, आप कोई और फाइल खोल सकते हैं जो आपको दिल करे खोलने के, एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हो, कैलकुलेटर है ये खोल सकते हैं, समथिंग सब कुछ खोल सकते हैं जो आप देखना चाहें इससे पहले कंप्यूटर का, अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं। ये मैंने आपको बता दिया। अब जो आपके पास हम जो नेक्स्ट ट्रिक लेके आ रहे हैं, वो बड़ी अमेजिंग ट्रिक है जो आपके लिए लेके आए हैं,
वो है कि आप अपने गूगल को अपने हिसाब से यूज़ कर सकें। बाज बार क्या, तो हम देखते हैं कि गूगल में आप में ने सर्च करना है सिंपल GOOGLE गूगल एम और MIRROR एंड सर्च। जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो आपका जो गूगल है वो पहली बात तो आपको ये गूगल उल्ट खुलेगा। ये देखें, ये गूगल जैसे आप सर्च करेंगे तो ये गूगल उल्ट खुलेगा। जैसे उल्ट खुलेगा फिर आप इसको अपने हिसाब से जैसे भी कोई भी सर्चिंग करते हो वो भी आपकी सर्चिंग उल्ट होगी। और अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, अगर आप ऐसे करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, अगर यहाँ पे आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो ये ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ सर्च करते हो तो बड़ी अमेजिंग है। अगर आप किसी दोस्त के साथ प्रैंक करना चाह रहे हैं, जी मैंने गूगल को हैंग कर लिया, ये देखिए मैं अपने हिसाब से गूगल को ले आ रहा हूँ, तो आप कह सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है आपके पास हम लेके आ रहे हैं वो बहुत ही प्यारी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे किसी मेरी गर्ल फ्रेंड ने मुझे फ़ोटो सेंड की है, ये मेरी फ़ोटो मैं देखना चाहूँ यार ये इसकी फ़ोटोज़ है भी है या कहीं नेट से ठा के इसने भेज दी है, आप सिंपली आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जाके गूगल इमेज लिखेंगे तो आप इमेज सर्च लिखेंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक पिक्चर निकालता हूँ किसी लड़की की, और लड़की मैं सादिया लिख के सर्च करता हूँ, और मेरे पास सादिया नाम की एग्जाम्पल के तौर के ये पिक्चर मुझे भेजी गई है। उसने कहा ये पिक्चर मेरी है। अब मैं अब देखना चाहूँ कि ये पिक्चर है भी है उसकी या उसने मुझसे झूठ बोला है। तो इसका तरीकाकार ये है, ये पिक्चर आपने यहाँ पे जाना है और इमेज सर्च पे जाना है आपने, यहाँ पे आपने इमेज सर्च बार पे जाके आपने यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लेनी है जो सी इमेज आप सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। और मैं जो मैंने की हुई है मैं सेलेक्ट करना अभी आपको दिखा देता हूँ, सेलेक्ट करके अपलोड इमेज, यहाँ से मैंने डेस्कटॉप पे एक पिक्चर रखी हुई है और उस पिक्चर का नाम मैं, ये देखें ये लड़की की पिक्चर रखी हुई है, मैंने अपलोड कर ली। जैसे ही फाइल अपलोड होके सर्च आती है तो उसने उसका पूरा बायोडाटा मुझे दे दिया है कि ये कौन है, ये एक एक्टर्स है, ये एक मूवीज़ एक्टर्स है और मूवीज़ बनाती हैं, और इसका सारी फाइल इसने सर्च किया। इसी तरह आप सर्च करके मैं समझ चुका हूँ कि ये पिक्चर मुझे जो भेजी गई है ये फेक पिक्चर्स है। दूसरा आपको लिए अमेजिंग ट्रिक लेके आए हैं हम आपको लिए, वो बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है, अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत अमेजिंग लगेगा कि आपका गूगल पानी में तैर रहा है यार, ये कैसे हो सकता है। इसमें के लिए लिखने के लिए आपने लिखना है अंडर वाटर इसके लिए आपने ये लिखना है अंडर वाटर गूगल। जैसे आप लिख के सर्च करेंगे और पहली जो लिंक होगी आपने उसको फॉलो कर लेना है। ये देखें आपका जो गूगल है अब ओपन होने के बाद ये फाइनली पानी में तैर रहा होगा और साथ फिशेस भी तैर रही होंगी। ये देखें गूगल पानी में तैर रहा है और ये देखें फिशेस तैर रही हैं, और आप इसको ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, और जैसे ही टाइम गुजरता जाएगा ये फिश आके और आती जाएंगी और गूगल को साथ लेके जाती जाएंगी नीचे की तरफ, या कभी उल्ट कभी इस तरफ कभी उस तरफ। ये थी, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट टिक्स है जो बहुत ही अच्छी है और आपके लिए भी बहुत ही फायदेमंद हो सकती है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। वो ये है कि आप कोई भी वेबसाइट उसके रिलेटेड सर्च करना चाह रहे हैं तो आप कैसे सर्च करेंगे गूगल में। उसके लिए आपने सिंपल गूगल पे जाना है, यहाँ पे लिखना है आपने रिलेटेड, क्योंकि आप ये आप देख के ना बच जाइएगा, इसका और भी फार्मूला है, अकेला यही नहीं है। इस तरह आपने कॉलम देना है, ओके कॉलम देने के बाद सॉरी
इस तरह आपने कलम देना है, कलम देने के बाद आपने उस, मैं कहता हूँ मुझे यूट्यूब के रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वेबसाइट्स हैं, वो शेयर सर्च करनी है, तो मैं ऐसे लिखूँगा वो सर्चेस, उसके रिलेटेड जो वेबसाइट्स काम कर रही हैं वो तमाम वेबसाइट आ जाएंगी। ये इससे जो अगली टिप्स, ये टिप्स बड़ी काम वाली है, ये यहाँ से आप मतलब कोई वेबसाइट ढूंढ रहे हैं, आपको, आप कह रहे हैं इसके रिलेटेड कोई वेबसाइट और भी मुझे मिल जाए जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो सकें, तो आप इस तरह कर सकते हैं, ये बहुत ही मफीद है। और इससे अगली ट्रिक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, उसका आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, वो ये ट्रिक्स है कि आप अपना वेदर देख सकते हैं, अपना मौसम देख सकते हैं गूगल में, और जो गूगल में वेदर बताया जा रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, बजाय कि आपकी मोबाइल ऐप या इधर थर्ड पार्टी से आप वेदर चेक करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर के इंडिया का आप सिटीज़ वाइज भी चेक कर सकते हैं, मैं कंट्री वाइज सर्च कर रहा हूँ मैं, तो आप सिटीज़ वाइज भी कर रहे हैं, मैं लाहौर का चेक कर लेता हूँ। जैसे मैंने लाहौर लिखा, नीचे लाहौर वेदर आ गया, और वहाँ पे मुझे बता दिया गया है कि इस वक्त लाहौर का जो वेदर है वो 33 है, और यहाँ से 7 डेज़ की रिपोर्ट भी बता दी गई है, और मुझे ये भी बता दिया वहाँ पे हल्के से बादल भी हैं और बारिश का भी आज मकाम है। आई होप हमारा ये वीडियो टिप्स जो हिटन थे हमने तमाम आपको दे दिए हैं और आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपके कोई इसके मतलब क्वेश्चन है तो मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप हमारा ये जो फेसबुक पेज है उसको लाइक कर लें अगर फेसबुक पे देख रहे हैं, और अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आप ऐसी वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स से मोबाइल की अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो एक्सेसरीज की आती रहे। अपना अपने एक लोगों का ख्याल रखिएगा, अपने होस्ट साजिद महमूद के लिए इजाज़त, अगली वीडियो मिलते हैं, गुड बाय।